तो क्या सीएम धामी जी ये वाकई में मास्टर स्ट्रोक है? ये कैसा मास्टर स्ट्रोक है धामी जी, जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में किए गए घोटालों की विजिलेंस जांच चलती है, वो पद पर बना रहता है, मगर फिर भी धामी जी वो मास्टर स्ट्रोक कहलाता है। पिछले 8 सालों से ये साहब इसी विभाग के अपर सचिव बने रहते हैं, सरकारें बदली, मुख्यमंत्री भी बदले, मगर नहीं बदला तो इन साहब का विभाग, मगर फिर भी धामी जी ये मास्टर स्ट्रोक है। मामला यहीं तक नहीं है, इस विभाग में इनके कारनामे तमाम बार सुर्खियां बनते हैं, मगर फिर भी रामविलास यादव अपने पद पर सवालों के बीच साल दर साल बने रहते हैं, मगर फिर भी ये मास्टर स्ट्रोक, ये कैसा मास्टर स्ट्रोक है, इसका जिक्र मैं आगे करूंगा। मगर आज आईएएस रामविलास यादव की कुंडली का जिक्र करेंगे, वो तथ्य जिसे सुन देख आप भी कहेंगे कि उत्तराखंड में करोड़ों के भ्रष्टाचार की पटकथा लिखी जाती है, मगर फिर भी धामी सरकार अपनी पीठ थपथपाते हुए इसे मास्टर स्ट्रोक कहते कहते नहीं थक रहे। कैसे? यूपी के डॉन माफिया का करीबी आईएएस उत्तराखंड सरकार में खेल खेलता रहा और सरकार बोलती रही जीरो टॉलरेंस की सरकार। आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी आईएएस अधिकारी रामविलास यादव को सतर्कता विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है ना, जिसे मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। मगर सवाल यह कि क्या यह जांच सरकार के आदेश पर हुई या फिर कोर्ट के आदेश पर? कोर्ट के आदेश पर आईएएस रामविलास को यह कहना पड़ा कि आप सतर्कता विभाग के सामने पूछताछ के लिए जाइए। रामविलास तो यूपी कैडर के हैं, तो फिर ये मास्टर स्ट्रोक धामी सरकार का कैसे हुआ? गिरफ्तारी से पहले हाईकोर्ट की फटकार जवाब नहीं दे पाते, जिसे मास्टर स्ट्रोक धामी सरकार बता रही है, उस मास्टर स्ट्रोक की हकीकत कुछ और भी है, लेकिन कुछ सवालों के साथ। सवाल नंबर एक, घोटाले की विजिलेंस जांच, मगर फिर भी पद पर क्यों? उत्तर प्रदेश में किए गए घोटालों की विजिलेंस जांच में फंसे आईएएस रामविलास यादव ने उत्तराखंड में भी बेखौफ अंदाज में काम किया, कई सालों से समाज कल्याण विभाग में ही जमे रहे। इस अफसर ने तबादलों और पोस्टिंग में भी जमकर खेल खेला होगा, ऐसे आरोप लग रहे हैं। मनमाने तरीके से निजी संस्थानों को सरकारी पैसे भी दिए गए, अभी बताऊंगा इसके बारे में। एक तरह से एसआईटी छात्रवृत्ति घोटाले की परतें उधड़ रही थी, तो दूसरी तरफ जनाब साहब एक निजी संस्थान को अवैध रूप से 5.5 करोड़ रुपए दे देते हैं, ऐसे आरोप है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि धामी सरकार यह भी उसे बताना चाहिए, जो मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं, उन्हें यह भी बताना चाहिए कि यूपी की तरह उत्तराखंड के किस किस सियासतदानों की इस आईएएस अफसर को छत्र छाया मिलती रही, किसका संरक्षण था। सवाल नंबर दो, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के करीबी होने के आरोप भी लगे, लेकिन फिर भी इतनी मेहरबानी क्यों होती रही साहब पर? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि यूपी की सरकार की जांच में यह बात सामने आई कि आईएएस अफसर रामविलास यादव की माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से खासी यारी थी। इस अफसर ने यूपी में नौकरी के दौरान बेहिसाब संपत्ति कमाई। यूपी सरकार ने जांच पूरी करने के बाद उत्तराखंड से एक्शन लेने को कहा, तो ऐसे में धामी सरकार से सवाल यह कि आरोप होने के बावजूद सरकार ने आंखें क्यों बंद रखी, चाहे वो पहले के ही मुख्यमंत्री क्यों ना हो, सरकार पहले भी उन्हीं की थी। सवाल नंबर तीन, 8 साल तक एक ही विभाग कैसे? आप कहेंगे धामी जी तो अभी आए, लेकिन पुरानी सरकार उन्हीं की थी, इसलिए सवाल उन्हीं से बनता है कि आईएएस अफसर यादव का सबसे पसंदीदा विभाग समाज कल्याण विभाग रहा। पिछले 8 सालों से ये साहब इसी विभाग में अपर सचिव के पद पर रहते हैं, सरकारें बदलती हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं, चेहरे दर चेहरे बदलते चले जाते हैं, मगर फिर भी ट्रांसफर के खेल में कभी इनका नंबर नहीं आता साहब का। मामला यही नहीं है, इस विभाग में इनके कारनामे तमाम बात सुर्खियां बनते हैं, तबादले और पोस्टिंग के साथ ही निलंबित अफसर की बहाली भी ये अपने अंदाज में कर देते हैं और भनक तक नहीं। छात्रवृत्ति घोटाले और जांच के बीच कैसे हुआ भुगतान, ये भी धामी सरकार को बताना चाहिए। लखनऊ विकास प्राधिकरण के साथ साथ उत्तराखंड के समाज कल्याण विभाग में खेल होता रहा। अब एक लेटर आपकी स्क्रीन पर होगा, वो लेटर मेरे हाथ में भी है दोस्तों,
अब यह लेटर आपकी स्क्रीन पर आएगा और इस लेटर को ध्यान से देखिएगा। यह लेटर जिसमें लिखा है सबसे ऊपर डॉक्टर राम विलास यादव अपर सचिव उत्तराखंड शासन, आप देख रहे होंगे, सेवा में जिला समाज कल्याण अधिकारी हरिद्वार, समाज कल्याण विभाग को, और विषय देखिएगा PGDM पाठ्यक्रम में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के शुल्क के संबंध में। अब इस लेटर को जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जिसमें सबसे अंत में यह लिखा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में निर्गत किया जा रहा है, अतः इसे भविष्य हेतु उदाहरण ना समझे। दरअसल यह भुगतान का था, यह पत्र भुगतान का था, जहां पर रुड़की के एक निजी कॉलेज को 5.25 करोड़ के भुगतान का सीधा आदेश दे दिया जाता है। छात्रवृत्ति घोटाला होता है और जांच के दौरान ही दोस्तों, जांच के दौरान 5.5 करोड़ दे दिए जाते हैं। अब सवाल यह कि किसके सियासी संरक्षण में यह रकम दी जाती है, इसका जवाब भी देना चाहिए। IAS रामविलास नियम को दरकिनार करके निजी संस्थानों को यह रकम दे देते किसके कहने पर, इस बात का खुलासा मास्टर स्ट्रोक मारने वाली धामी सरकार को देना चाहिए जवाब। यह मामला खुला तो शासन ने इस पैसे की रिकवरी के लिए आदेश भी दिया, सुर्खियां तो यह भी बता दी, मगर फिर भी साहब समाज कल्याण विभाग में ही जमे रहे, उसके बावजूद भी तो किसका संरक्षण था। मास्टर स्ट्रोक मारने वाली धामी सरकार को इसका जवाब भी देना चाहिए। विजिलेंस जांच का इन पर कोई असर नहीं पड़ा, और हां, वो 5.5 करोड़ का चूना लगाना सरकार को, और उसके बावजूद ये 5.5 करोड़ क्या सरकारी खजाने में वापस आए, इसका जवाब भी मास्टर स्ट्रोक मारने वाली धामी सरकार को देना चाहिए। अब दिलचस्प और एक और किस्सा जनाब के बारे में जान लीजिए, वो ये है कि दूसरे अफसरों की तरह PCS अफसर रहे रामविलास यादव उत्तराखंड कैडर आवंटित होने के बावजूद भी यहां ज्वाइन नहीं करते, किसी ना किसी तरह से वो यूपी में ही जमे रहे, लेकिन जैसे ही IAS में प्रमोशन का मौका आया तत्काल ही उत्तराखंड आ गए और सीधे IAS बन जाते। मास्टर स्ट्रोक मारने वाली धामी सरकार को यह भी बताना चाहिए कि यूपी सरकार ने क्या उन्हें इस बाबत चिट्ठियां लिखी थी या फिर नहीं, मगर फिर भी आरोपी IAS पद पर बना रहा, मगर फिर भी ये मास्टर स्ट्रोक। मास्टर स्ट्रोक की हकीकत यह है कि पिछले 8 सालों में जनाब का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया और एक ही विभाग समाज कल्याण विभाग में वो जमे रहे और उसी विभाग में बने रहे जिस पर उन पे आरोप लगते रहे, यानी कई सालों से समाज कल्याण विभाग में जमे इस अफसर ने तबादलों और पोस्टिंग में क्या कोई खेल नहीं किया होगा, यह भी अपने आप में एक सवाल है। मनमाने तरीके से निजी संस्थानों को सरकारी पैसे बांटने का इन पर आरोप लगा तो जांच में क्या है, जांच में हुआ क्या, क्या यह खुलासा होगा। ऐसे में सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या यूपी की तरह ही उत्तराखंड में इनका कोई सियासी संरक्षण यानी कि आका रहा या फिर नहीं। जाहिर है कि अगर ऐसा नहीं होता तो इतने कारनामे अंजाम देने के बाद भी ये साहब एक ही विभाग में कैसे जमे रहते। दोस्तों जरा सोच कर देखिएगा, तभी मैंने कहा यह कैसा मास्टर स्ट्रोक है, धामी सरकार को बताना चाहिए यह मास्टर स्ट्रोक। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।